नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारा ट्रुथ विला यूट्यूब चैनल पे। मैं सत्येंद्र, जैसे कि आप देख रहे हैं हम दो तरह के आटा चक्की मशीन लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक कैबिनेट टाइप है और एक टू इन वन पल्वराइजर है। इस दोनों मशीन में बताने वाले हैं कि दोनों मशीन में डिफरेंस क्या है और इस मशीन से क्या क्या पिसाई कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जैसे कि ये मशीन आप देख रहे हैं ये फुली ऑटोमेटिक है और ये वाला जो टू इन वन पल्वराइजर देख रहे हैं ये सेमी ऑटोमेटिक है। और इस मशीन का बॉडी मटेरियल के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप इस मशीन का देख रहे हैं आउटर बॉडी वुडन का है और इस मशीन का आप जो देख रहे हैं पल्वराइजर का एएसएस का है। और इसका अंदर का मटेरियल के बारे में बात करेंगे, जो इसका चेम्बर है एएसएस का है आप देख सकते हैं। और इसका ब्लेड भी एएसएस का है, चार ब्लेड है। और इस मशीन का भी आपको ब्लेड दिखाएंगे, तो इस मशीन का भी आप देख सकते हैं इसमें चार ब्लेड है, ये भी एएसएस का है। तो इस दोनों मशीन का मोटर के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप कैबिनेट टाइप वाला जो देख रहे हैं इसमें 1 HP मोटर आता है जो कि सिंगल फेज आता है। और जो टू इन वन पल्वराइजर देख रहे हैं इसमें 2 HP मोटर आता है, वो भी सिंगल फेज आता है। और इस दोनों मशीन का आप घर का लाइन से चला सकते हैं। और इस मशीन में 6 जाली आता है, वो भी डिफरेंट साइज, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कौन सी जाली क्या मटेरियल के लिए है। और इस टू इन वन पल्वराइजर में इसमें भी 6 जाली आते हैं, जो कि इसमें भी आपको इस साइड में देखने को मिलेगा कि कौन सी मटेरियल के लिए कितना नंबर जाली लगाना होता है। तो इस दोनों मशीन का मेन डिफरेंस बताएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो कैबिनेट टाइप वाला है इसमें आपको सिंगल हॉपर मिलेगा। और इस मशीन से आप जैसे कि आपको हल्दी हुआ, मिर्च हुआ, बहुत ही छोटे मात्रा में उसको आपको तोड़ के इसके अंदर देना होगा, क्योंकि इसके अंदर सेंसर लगा हुआ रहता है। 12 दाना होने के कारण सेंसर मशीन के अंदर नहीं टान पाता है। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं टू इन वन पल्वराइजर, इसमें आपको 2 हॉपर मिलेगा, जैसे कि ये अनाज के लिए है और ये मसाला के लिए है। इसमें आप डायरेक्ट गोटा, मिर्च, हल्दी दे सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं गेहूं डाल रहे हैं। और इसको मशीन ऑन करने के बाद इसको ऊपर कर लेना है। चलिए अभी हम मशीन को ऑफ करेंगे, देखेंगे कैसा हमारा आटा पिसाई हुआ है। अच्छा, देख सकते हैं बहुत ही फाइन पिसाई हुआ है। और इस मशीन से आप वेट एंड ड्राई दोनों ही ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इस मशीन में कैबिनेट टाइप वाली में हम आपको गेहूं पीस के दिखाएंगे। तो पहले मशीन को हम ऑन करेंगे। तो जैसे कि आप सुन सकते हैं अभी कि इस मशीन से मैजिक बज रहा है, जैसे हम गेहूं को डालेंगे मैजिक ऑफ हो जाएगा, मशीन रन हो जाएगा, देख सकते हैं। तो अभी मशीन काम करना चालू कर दिया है। जैसे कि आप देखेंगे एक स्विच है रेड कलर का, 2 मोड के लिए है। ऊपर में आपका बाजरी लिखा हुआ है 1 नंबर और दूसरा नंबर जो है गेहूँ लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हॉपर में अनाज ख़त्म हो गया है। मशीन का जो पिसाई है कैसा गेहूँ पिसाई हुआ है इसका पिसाई भी हम देखेंगे। तो ये हॉप चेम्बर खोलने के लिए यहाँ से ये भी बता दें, ये है, देख सकते हैं पूरा गेहूँ हमने पिसाई किया, पूरा ही क्लीन हो गया है। देखिए पूरा एकदम आटा हो गया है, देखिए पूरा एकदम मिही पिसाई हुआ है।
और ये जो आप मशीन देख रहे हैं कैबिनेट टाइप वाला, इसमें आप ड्राई पिसाई कर सकते हैं अगर कोई भी आप मसाला पीसना चाहते हैं। और इस जो ट्विन वन पल्वलाइजर मशीन में आप देख रहे हैं, इसमें आप वेट एंड ड्राई दोनों ही पिसाई कर सकते हैं। जैसे चावल हुआ, दाल हुआ, अगर आप उसको भिगा के पीसते हैं तो भी इसमें आप पिसाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सी मशीन सूटेबल है और कौन सी मशीन लेना चाहिए। और इस मशीन को अगर आपको पसंद हो, आप ख़रीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जो कि वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इस मशीन को हम लोग इंडिया का किसी भी कोने में 5 से 7 दिन में होम डिलीवर करवाते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए मशीन के साथ। धन्यवाद।